दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 27 नवंबर और वार सोमवार, क्योंकि आज पूर्णिमा थी और पूर्णिमा के दिन अलवर की जो फल सब्जी मंडी है और प्याज मंडी है, सारी मंडियां बंद रहती है। तो मैं मौजूद हूँ राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज मंडी अलवर की प्याज मंडी में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो प्याज की आवागमन है वो जारी हो गया है और सुबह इसी जगह पर पप्पू भाई प्रधान की फड़ आपको नजर आ रही होगी। इधर मैं दिखाऊंगा आपको ये आसाराम प्याज कंपनी की जो फड़ है वो नजर आ रही है। तो आपको दिखाना चाहता हूं कि जो प्याज की आवक है वो लगातार जारी हो गई है। सुबह मंडी खचाखच भर जाएगी, तो सुबह की जानकारी अलग देंगे। वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको दिखाना चाहते हैं कि रात को कैसा होता है अलवर की प्याज मंडी का नज़ारा। तो पूरी मंडी को दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हो जो किसान भाई हैं दूर दराज के गाँव से आना शुरू हो गए। रोशन भाई के भी प्याज आ गई है, इधर रमेश सैनी जी के, उधर दीना भाई के, सभी के प्याज की आवाजाही हो गई है। इधर असलू भाई के और यह है जो आसाराम प्याज कंपनी पर भी प्याज आ गई है। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि पिछले दिनों तेज आवक होने के बावजूद अब धीरे धीरे जो प्याज है उसका आमदनी है जो घटती नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कई बार कई किसानों से मैंने पूछा भी था कि आमदनी घटने का क्या कारण, तो उन्होंने बताया कि 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव है, तो इसलिए लोगों में भय है कि कहीं चुनाव के बाद जो प्याज है वो सस्ती नहीं हो जाए, इसलिए कच्ची प्याजों को किसान भाई मंडी लेके आए थे। तो चलते हैं सब्जी मंडी में और दिखाते हैं वहाँ कितनी प्याज आई है आज। दोस्तों यह है अलवर की फ्रूट मार्केट सब्जी मंडी और इसमें भी जो प्याज का आवागमन है वो शुरू हो गया। नीरज भाई जो प्याज वाले हैं उनकी आड़त पर भी प्याज आ गई है और बाकी जो ब्लॉक है सारा खाली है। इधर बजरंग प्याज कंपनी जो हरी सरपंच की आड़त है उस पर भी प्याज आ गई है, क्योंकि धीरे धीरे सुबह लोग ज़्यादा प्याज लाते हैं, शाम के वक्त यहाँ पर जो खचाखच भीड़ हो जाती है प्याज की। और इधर एक पुराना प्याज कंपनी की फड़ है, इस पर भी प्याज आ गई है। और सामने यदि बात करें तो त्रिलोक प्याज कंपनी का फड़ है और इधर रोजदार भाई का प्याज का फड़ है, दोनों फड़ों पर भी नई प्याज की आवक हो गई है। तो देखते हैं सुबह कितनी आवक प्याज की मंडी में रहती है, कैसा नज़ारा अलवर की सब्जी मंडी का और प्याज मंडी का रहता है, इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की। देखिए आप पिकअप देख सकते हैं, प्याज की भरी हुई आ रही है। लगातार जो किसान भाई हैं अपने निजी साधनों से मंडी में प्याज को लाते हैं और कुछ रात को लाते हैं, कुछ सुबह लाते हैं। देखिए ट्रैक्टर में प्याज भरी हुई है और ये पिकअप है किसान भाई की, इसमें भी ये तो खाली है शायद। और लगातार जो साधन है वो आ रहे हैं ट्रैक्टरों के द्वारा, पिकअप्स के द्वारा, टेम्पो के द्वारा। देखिए किसान भाई लगातार रात में प्याज हला कर जाते हैं और सुबह अलवर की मंडी में प्याज बेचने के लिए आते हैं। तो देखते हैं सुबह कितनी आवक घटती है बढ़ती है, सभी बातों को लेकर चर्चा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।